वेस्ट इंडीज के बीच 5 मैच की T20I सीरीज खेली जा रही है, जिसके पहले T20I का हाल ही में ही अंत हुआ है। वेस्ट इंडीज की टीम ने सबको हैरान कर दिया भारत को 4 रन से इस T20I में हराकर। जी हाँ, वेस्ट इंडीज की वो टीम जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर से वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाई थी, उस टीम ने पहले भारत के साथ 1 टेस्ट मैच ड्रॉ किया, उसके बाद ODI सीरीज में 1 मैच जीता और अब T20I सीरीज की शुरुआत पहला मैच ही जीत कर करी है। ये एक बड़ा स्टेटमेंट है वेस्ट इंडीज की ओर से। वेस्ट इंडीज ने पहले T20I में 149 रन बनाए, जिसमें रोमन पावल ने 48 रन, निकोलस पूरन ने 41 रन और ब्रैंडन किंग ने 28 रन बनाए। जवाब में भारत के युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह दोनों ने ही 2-2 विकेट्स ली। जब भारत की बात की जाए तो भारत के लिए अपना T20I डेब्यू करने वाले तिलक वर्मा ने सबको साबित करा कि क्यों वो एक बढ़िया परफॉर्मर है। उन्होंने 39 रन बनाए, लेकिन बाकी सभी प्लेयर्स का परफॉर्मेंस बेहद निराशाजनक था। वेस्ट इंडीज के ओबिड मकॉय, जेसन होल्डर और रोमारियो शेफर्ड सभी ने ही 2-2 विकेटें ली थी। वेस्ट इंडीज का ये कमबैक काफी लोगों के लिए शॉकिंग है, लेकिन भारत के लिए अब एक वेकअप कॉल है कि अब भारत को भी बढ़िया परफॉर्म करना होगा अगर उसे ये सीरीज जीतनी है। आपको क्या लगता है, क्या होगा इस T20I सीरीज का अंजाम, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसी क्रिकेट रिलेटेड नई खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द स्पोर्ट्स लाइट को।